से आप कुछ भी समझें, गीत हास्य रस में है और कवि की कल्पना समझिए या कि पुस्तक की बात समझें, कितने सुंदर ढंग से भगवान शंकर जी से भवानी गिरजा कहती हैं। देखें आप, सिलौटी पर भांग घोट थे और भगवान बड़े प्रसन्न चित्त में गिरजा के सामने बैठे हैं और गिरजा मैया सोची कि आज बहुत खुश हैं, कुछ पूछ ली इनसे। हम कहा, प्रभु एक निवेदन बा। कह बोला, तर्ज है, अरे मोर भनिया के बनाए जाए भोले। लोग चलना चाहती हो? कहा, हाँ। कहा तो क्या करोगी चल के, कई मरतबा तुम्हारे साथ हम लोग घूमे हैं। अंतरा मुन्ना, हंसी हंसी बोले लागे गिरिजा भवानी। शंकर कहे कि मृतलोक चलें और किसानी करें। एक रजा, हमन लोग देवता हैं, मृतलोक में किसानी कैसे करेंगे? कहा ना, चलें, भारत में किसानी होती है तो हम लोग भी किसानी करें और वहां का आनंद लें। तो भोलेनाथ एकदम विचार किए और चल पड़े। तो कभी चार लाइन का भाव लिखत है कि गिरिजा के बहन सुने शंभू हर्षाई गए, चलो मृत लोक प्रिय कर भय किसानी हो। वृद्ध कृषक के रूप धारण कन्हैया किए, आकर के शिव जी से बोले हैं बानी हो। हम हैं किसान आलीशान भगवान सुना,
खेती न कई पौगा दुनहु परानी हो, आधे की साझेदारी खेती हमारी करा, कृषक कन्हैया से कहे शंभु दानी हो। भगवान जब चले अमृत लोक आ गए तो एकदम वृद्ध किसान का रूप बुढ़वा बन के डग 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 खोपड़ी हिलत, और गिरिजा मैया भी बुढ़िया का रूप धारण करके और आ गई। तो मुरली मनोहर द्वारिकापुरी से विचार किए कि भगवान शंकर आज आ रहे हैं, इनके तो ऐरा गैरा किसान मिले हैं, तो ये बेवकूफ बना दी हैं। और स्वयं भी मुरली मनोहर एक किसान का रूप धारण कर लिए और आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। कौन है तुम? कहा मैं किसान हूं। कहा यार किसानी करने के लिए तो हम भी मृतलोक में आए हैं। तो कहे मुरली मनोहर कहे कि आधे के साझेदारी करबे किसनिया, हम हई बाका किसान हो। अरे गिरिजा मुदित भैली हंसली बगलिया, हंसी दिहले तबले भगवान। भगवान हंस दिए कि तू कहे हाँ महाराज, अधिया पर खेती होगी, जोन बीज बो जो फसल तैयार होगी आधा आपका और आधा हमार। कहे ठीक है आप किसानी कीजिए। बैलों को लाकर भगवान मुरली मनोहर खेत में लगे जोतने, और देखें आप खेत को खूब बना दिए, कभी को टेरी का भाव लिखना पड़ा। एक पर्दा उठे मुन्ना, अरे राम जब आते सारी दुनिया, अरे तो बन के कृषक कन्हैया करे किसानी का जवाया ना जवाब सारी दुनिया। और जब खेत बोझ जोत उठा तो उमें बोवा कागा, गेहूं जब बोवे लगे कन्हैया जी किसान के रूप में, तो शंकर जी से कहते हैं कि एक बात बताऊं, जब ये फसल तैयार होगी तो आप नीचे का हिस्सा लेंगे कि ऊपर का? तो भगवान सोचे कि दाने दाना बिखराए रहे हैं। शंकर भगवान भांग धतूरा छाने मस्त हैं, गांजा दम पे दम लगत है, और कन्हैया जी खड़े कि नीचे ले बया कि ऊपर ले बया जब फसल हो तो भगवान शंकर कहे कि दाना छितरावत हैं, ये कुल निचोई होगी, ऊपर लेना बिल्कुल बेकार है। बस भगवान इस सोच के कहे कि भाई हम नीचे ले, कहे नीचे ले रहा कहे हाँ। तो कभी को लिखना पड़ा कि गेहूं बोया गया खेत में, हाँ गेहूं बोया गया खेत में, जब पके होइगा तैयार कहीं कन्हैया नीचे ले जा कि ऊपर ले जा सरकार, कहाँ शंभू हम नीचे ले भाई तुम हो ऊपर के हकदार। बाल काट लई गए कन्हैया, बाल काट लई गए कन्हैया, डांट लई गए घर त्रिपुरा, आप जब गेहूं एकदम पक के तैयार हुआ तो कन्हैया जी कहे कि चल के अपन खेती देखा और हिस्सा बांट ली। कहे भाई ऊपर का तोहार अपन ले जा। कन्हैया बाल बाल कुल काट लिए, बाल बाल कुल काट लिए और डांट देह बोझो पर बोझ बांध रहे हैं बिल्कुल बांध लिए। कन्हैया कहे कि हम साझेदार है आपके, हम का आपके स्थान तक पहुंचाओ, जहां आपकी कुटिया है वहां तक पहुंचा दे। देखा
बांधी बांधी बोझावा कन्हैया लाई अवले झोपड़ी के आई गई ले पास हो गिरिजा मगन भैली आया फसलिया किहले कमाई अविनाश हो। भवानी गिरिजा बहुत मगन है कि आज कमाई आयल बा और नंदी बैल के दमरी नाद दिए डांट के ऊपर और जब एकदम डांट एकदम भूसा भूसा हो गया तो दोनों प्राणी लेके झुआ पलड़ी पुरवैया हवा में उसावे लगे कि जोन कुछ हिमा निकले उका ले ली। तो कभी को लिखना पड़ा कि डांट वो साए भूसा उड़ गया मिलाने एक तो दाना सारा दाना तो भगवान बाल काट के ले चला है और इनका मिले तो काम मिले जो कुछ भूसा है वो ससुर उड़ गए सब। जब एकदम उड़ गए तो गिरिजा मैया चकित हो गई कि हाल हाल झुआ पलरी उठावत है कोनो रस न निकलत बा कि डांट वसाए भूसा उड़ीगा मिला न एक कौदाना। अरे भव परिश्रम व्यर्थ भवानी अरे गिरिजा मारई ताना अरे कि छोनो भांग तुरा तोहके नायन सारी दुनिया कहें कि तोहके कौनो अंदाजो बाटे कहें काकरी भाई अब हमसे लाग पूछे कि नीचे लेबे ऊपर दाना छितराए रहा कुल खेते में हम समझे कि नीचे पैदा होई ना भाई जब हम बोलबे तो नीचे होई कहें ऊपर हो तो महाराज जी गेहूं अटे और गेहूं ऊपर हो तो बाल बाल तो सब काट के ले जाए तुहार साझीदार तोहके का मिला आखिर कहे कि जब का बताई धोखा हो गेल तो भवानी मुड़े पर हाथ के का कहा थी। अरे घाटा लगल मोरी किसनिया बलम हो अरे घाटा लगल मोरी किसनिया बलम तनी निरखा चलनिया हमार एक बात माना अब की जो खेती कराया सजनवा अब की जो खेती कहे अब की किसानी माँ नीचे का हिस्सा ले लिया अपनी मर्जी से अब केरी हम कहा तही ऊपर का हिस्सा लिया। कहे अच्छी बात है जब आपकी किसानी हुई तो ऊपर का हिस्सा लेबे तो शंकर भगवान उठाए अपन तुम भी छोटा पहुंचे किसान के आगे कि बहुत चूतिया बनाया तू हमका बोला। अरे जब गेहूं बोए रहा तो हमसे पूछा था कि नीचे लेबे कि ऊपर लेबे हमारे समझ में नहीं आए हम मस्त रहे कई दिन नीचे ले कुछ नहीं मिला जो भूसा सब रहा वो उड़ गया। तो मुरली मनोहर हंसे लगे अब बोरा छली आए के धरे हैं कुल कि देखा यही आप ठाकुर है हम तो किसान ही यह इतना मिला भगवान देख के ठकरा मार गए कि बप्पा रे सारी कमाई ले गई। तो कहे एक बात सुन ले कहे का शिव जी किसनवा से बोले किसी आई किसनवा
भगवान कहत हैं कि हम ऊपर का हिस्सा लेब करी नीचे कत्ते न ले। कन्हैया जी हंस दिए किसान के रूप में कि कोई बात नहीं है, आप खेत के मालिक हैं, हमारा ठाकुर है, हम तो आपका अधियारी है, जो कुछ भी बटाई पर खेती होत है ठीक है, आप ऊपर ले हम नीचे ले। तो कन्हैया जी खेत जोत बो के ठीक ही एकदम हंगा आगे एकदम दुरुस्त कर दिए और का करे थे कृष्ण कन्हैया किसान बड़े चालू बस आलू बोआ के कन्हैया जी एकदम जब आलू फुला गए और खूब डूढ़ी में पड़ गए तो भगवान अपन खेती जब देखे थी तो हरी भरी फसल दे के बहुत खुश भैन। अब गिरजा का मेड़े के बगल खड़ा के कहा कि सुना गिरजा अब की लहान बैठ गए किसान को चूतिया आपकी बार बना दिया और अब कह रही इतना इतना अनाज घरे पहुंचे कि न पूछा। देखिए भगवान भोलेनाथ का भोलापन है न कि मूर्खता, इसमें कितने समदर्शी हैं और कितने सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, सुझाव देते हैं। कहे भाई ऊपर का हिस्सा हमारा और नीचे के तोहार है, तो का लगा मुन्ना एक तज लगत है। एक भौजाई अपने ननद से कहा था ओकर मन से दू बंबई गए बा और तो ननदिया से कहा था अक्सर अच्छे गायकों से आप सुनते हैं कि पिया पर गई है पिया पर गई है दरा दिया पवनवा बहे बड़ी जोर पवनवा बहे झक झोर अरे राजा जी के बंगाल टाइगर श्री राम अवध यादव जी से प्रोग्राम रहा और गा गए तो हमन लोग का यह भाव रहा लेकिन बदल के का रहा देवी कर वह पूजनवा बम्बा देवी
रहा आप सबके, लेकिन यहाँ आलू तैयार है बिल्कुल। अब पड़ गए बा भोलेनाथ से कहे कि अपन ऊपर वाला हिस्सा चल के ले ला। दोनों प्राणी बहुत मगन भए, तमाम लेबर लगा दिए कि मेरी फसल को बाहिफाजत मेरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए। तमाम लग गए मजदूर लोग, और देखें अजीब भगवान भोला से एकदम भोला का होत है कि ऊपर का हिस्सा ले ला तू हे हो भोला दानी। आलू का कुल गवाह भवन, आलू का कुल गवाह भवन ले गई ले दोनों प्राणी राम नजब हस्त सारी दुनिया। दोनों प्राणी ले गए आलू का गवाह, गजहर लाग गए बिल्कुल एकदम। अब सोचे कि नंदी बैल को अपन नाथ द दमरी जोन कुछ निकले एकदम धैला किसान तो बेकूफ बनावा फेरी। और नंदी बैल के जब नाद दिए, नंदी बैल के जब नाद दिए देख चले ना बैल नवर दैया, चले ना बैल नवर दैया पवन चले झक झोर। अरे गिरजा रानी भोला जी के देखें, गिरजा मैया भोला जी के देखें सजना। सारा गवाह पानी पानी होइगा, पानी पानी होइगा आलू का कुल पेड़ावा बरसे नयन मासे नी हो। ऐसी किसानी माता सुना भोला दानी दुइनौ प्राणी होइ जा भई फकीर हो। ए प्रभु कहे गिरजा कहे तुहार भला बहन हम कान कर कहे नी आलू रही अब केरी ई नीचे पैदा होत है अब केरी ऊपर ले लिया। कहे एक बात बताई हम कहे का तर्ज है कि गोरी घूंघट में मुखड़ा छिपाओना आज मिलने मिलाने की रात। ये तो तर्ज है, लेकिन देखें आप गिरजा मां भगवान शंकर से कहती हैं कि ए प्रभु पिया पिया ऐसी किसानी कराओ ना, पिया ऐसी किसानी कराओ ना ई बुढ़ौना बड़ा धोखेबाज। कहती हैं गिरजा
साझेदारी में क्या कमाल प्रभु, साझेदारी में क्या कमाल प्रभु, मिला कुछ भी नहीं है माल प्रभु, मिला कुछ भी नहीं मलाल प्रभु, घाटा लगा है दोनों साल प्रभु, किसान में है कोई चाल प्रभु। शिवजी बोले सुना हमारी रानी, एक दाई गेहूं बोए से दूजा आलू, गईले हम धोखा दुई नऊ खा, अब की नीचे ऊपर दुई नऊ ले भाई हम ही सवा, जाए बुढ़ौनाई अघा कहीं गिर जा तो चिंता जिन करा। अब भगवान गुस्सा में उठे और पहुंचे जब किसान के दरवाजे पर, मुरली मनोहर वृद्ध रूप में हुक्का कुलकुल 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 करत, आवा आइए आइए महाराज हमें बैठे आसन पर बैठाए। कहने अच्छा चूतिया बनाया फिर तू हमके, हाँ अरे ये बताओ हमके कि तो क्या आलू बो दिया। वो नीचे हो तो कहे महाराज हम बोलते कि आपसे कह रहे कि नीचे चाहे ले लिया चाहे ऊपर ले लिया, तो हमार कौन गलती बा आखिर, जब आप कहा कि हम ऊपर ले तो कहीं हम समझे कि तू फिर ऐसे कौन चीज बोगा जब ऊपर ही हो था लेकिन नीचे हो गए। तो एक बात हमार और सुन ले, कहे बोले कहे तो के मंजूर किए पड़ी, कहे आप बोले तो शंकर जी क्या कहते हैं उड़ान में, तो नीचे ऊपर दोनों ले भाई कहे किसान से भोला, नीचे ऊपर हम दोनों ले बे कहे किसान से भोला। अरे सुन के शिव के बात कन्हैया जी के मनवा डोला, अरे हमें मंजूर ब मालिक खेती होए सजावाया ना जवा से सारी दुनिया, महाराज ठीक है नीचे ऊपर दोनों ले लिया तू तो बड़े चकित में कन्हैया जी पड़े कि नीचे ऊपर दोनों ले ही अब केरी, कहीं पक्की बात है, हाथ मार के चल दिए कि हम देखब। अब आगे गिरजा से बताए कि किसान माने बा, कहीं का कहा कहे हम नीचे ऊपर दोनों ले बे, कहे ये बढ़िया रहा नीचे हो तो मिली ऊपर हो तो मिले, ये किसानी बढ़िया रही, आपकी घाटा तो लगना ही नहीं है गिरजा, बिल्कुल एकदम समझ लिया 100% सही बात कहते ही हम, घाटा बिल्कुल कत्ते नहीं लागे। तो गिरजा मतारी का है अरे भोला जैसे बतिया, अरे अच्छी मृत्यु लोकवा में भैली खेती बरिया, भोला कहे की बुढ़ौना बड़ा चालू रहा, अरे दुई दुई फसल मा हमसे कई गा ठग हरिया, अब की तो पता लागी गहिया में लागी आगी, गिरजा कहे कि धन धन हमारे समरिया, एहर कन्हैया भैया मनवा में सोचे लागे
अरे कमन चीज बोई अब की अपनी खेती बरिया। भगवान कन्हैया सोचे लगे कि शंकर जी तो नीचे ऊपर दोनों ले हैं, हम का ऐसी बोई, कौन सी ऐसी फसल तैयार करूं कि जो हमहू को मिले कुछ। तो मुरली मनोहर आजाद ये जन्मा संदर्शी बुद्धि से काम लिए और का कहा थी, खेतवा म बोई दी है सगर मकाई, खेतवा म बोई दी है। चारी ओरी खेतवा में छायल हरियरिया, शिवजी से कहा कि तू ना है गुजरिया, कहें कि तनी सुना है गुजरिया। जिके देहात में लहड़ा कहा थी वह बोए दिए और फसल धीरे धीरे तैयार भाई। भगवान भोलेनाथ बड़ा मगन भई गिरजा का किनारे खड़ा करके खेत के, कह देखा ये फसल में घाटा आने लगी गिरजा, ये अब केरी नीचे ऊपर दोनों बा। गिरजा कहें कि हाँ बहुत अच्छी बात, और लहड़ा ऐसी चीज है कि वो बीचे में होत, अब बीचे में होत जब लहड़ा फुलान खूब, तो गिरजा मैया बहुत मगन भई कि मारे दाना के मारा अब की झोपड़ी भर जाई। तो किसान कन्हैया का काम करत थे, अगला अंतरा बोलत है, खेती यार खावै लागे टेरी के मुरलिया, खेती यार खावै लागे भगवान भोलेनाथ जम के दोनों प्राणी मजदूर लग गए नीचे ऊपर काट काट के, अब बीच के हिस्सा कहा है, हला अब की तू कुछ ना, अरे पौब्या हो कि सनऊ गईला तू हमन से धोखा खा, बुढ़ावा कन्हैया के छूटली हाँ सरिया, कि अब की दाई ज्यादा तू अघा। भगवान कहे लगे कि अब केरी तू और फंस गया,
अपने मन में और कहे किसान ये बीज का हिस्सा तुम्हारा है, ले जाओ इसे। कहा ठीक है, आप हमारे ठाकुर है, मालिक है, हमार तो है ये नीचे ऊपर के दोनों फुलान ले लहड़ा ले जाके और नीचे के जरखुल डंठा दमरी नाद दिए एकदम लहान से और दमरी नाद दिए नंदी बैल छटक छटक के बाहर आए पड़े कि अजीब बात है, गिरजा कहा है कि कुछ हेमान निकले आखिर, ये तो होगी वही गेहूँ वाली हाल बिल्कुल अपन बर्धा गिरा परत है और हेमा कहा निकले। कहे कहा निकले जब का वो सबूत तब ना पता लागे कहा समझे हूँ तो फिर अंतरे में तो देखा बीचवा का बाल लेके किसा कन्हैया बीचवा के बाल लेके शिवजी के कुछ न मिला वीर था कमैया बाबरे भगवान एकदम की अजीब बात है गिरजा, हम बिल्कुल परेशान हो गए ऐसी किसानी से उबियाएंगे। गिरिजा कहाँ की तोहरे कुछ ना या खराब के भैया तू का बोए रहे अब केरी न नीचे ससुर भवा न ऊपर भवा, आखिर का बा भगवान हंस दिए कि आप का चाहते कहीं का इसी तोहका का मिला हुए लिया के दोनों प्राणी के गए कि आवा देखा और कहे महाराज अब की हम जोन बोए ये बिचवई में होत महाराज एक सब देहात में मृतलोक में लल्हड़ा और मकाई कहा थी। देखे आप बड़ी बड़ी बाल थमा दे दू चटे की दोनों पानी ले लिया अब हमारे हिस्सा की चीज अटे अब दे तही अब का बताई हमारे दुआरे आई यहाँ। भगवान शंकर कहें कि तू बहुत बुद्धिमान आ इतना तोहरे दिमाग पर कि हम का बताई तुहार मनुष्य का अवतार न हुई तू कोनो देवता जरूर है। जब शंकर जी हाथ जुड़े तो मुरली मनोहर को दया आ गई कि भगवान भोलेनाथ बारी त्रिपुरारी ये सब आपकी माया थी और आपके लिए आपके सहायता हेतु हमें द्वारिकापुरी से ही रूप धारण की पड़ा और हम आए महाराज यहाँ बड़े कि साझेदारी जब करे तो बड़ी चलुवाई रखे महाराज सिंचाई पताई कटाई मड़ाई जुताई बुआई सब हिसाब किताब से हो नहीं साझेदारी गड़बड़ाई जाता महाराज जैसे तू तीन फसल हम उगाए तीनों में घाटा लग गया तो महाराज भगवान अपन रूप बदल दिए तो कभी को लिखना पड़ा अंतिम भाव है छोड़ कृषक का भेष कन्हैया धैले असली बाना छोड़ कृषक का भेस कन्हैया धैले असली बाना लज्जित शिव जी शीश झुकाए कहे कवि राम धार मस्ताना हो या न जवाब से सारी दुनिया हो या न जवाब से सारी दुनिया अरे शारदा सदा सजावे हैदर अली के सजवाया न जवाब सारी दुनिया
वाली देखें। अब आप मोहनलाल मौर्य से एक लोकगीत सुने और जो विकास गीत होगी देश के प्रति है। अभी तक आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहे और अब मोहनलाल आपको एक लोकगीत सुनाएंगे, इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। हाँ, तो एक किसान की दुल्हन देश के विकास को देखते हुए कहती है कि घरवा में लागल बिजुलिया बलम, हो घरवा में लागल बिजुलिया बलम, मोही चमकल टिकुलिया।
बात है कि पावन ही मालय मोरे देश का पार हुआ। कभी लिखता है जहाँ तक हो सके एक छोटा सा परिवार करो, जहाँ तक हो सके एक छोटा सा परिवार करो, बराल के नसबंदी भारत का अपने भार हरो, करा के नसबंदी भारत का अपने भार हरो, रोको संतान और निरोध इस्तेमाल करो, बतिया भागी के नर नारी जरा काल करो, बतिया भागी के नर नारी जरा काल करो। डॉक्टर की है सलाह दो या तीन बच्चे हो, डॉक्टर की सलाह बस दो ही बच्चे हो, बाकी खाने और शिक्षा के प्रबंध अच्छे हो, बाकी खाने और शिक्षा के प्रबंध अच्छे हो, बाकी खाने और शिक्षा के प्रबंध अच्छे हो। बाकी खाने और शिक्षा के प्रबंध अच्छे हो, अच्छे दुल्हन कि खेतवा में जमीते हम करबै कमाई, खेतवा में जमीते हम करबै कमाई, दुश्मन के खातिर बनब लक्ष्मी बाई, दुश्मन के खातिर बनब लक्ष्मी बाई, दुश्मन के खातिर बनब लक्ष्मी बाई, चमकने की कमी ना।